Welcome to 5 minute science. आज हम देखेंगे types of chemicals reaction. सबसे first यहाँ मैं पूरे chemical reaction के नाम लिख लेता हूँ, so पढ़ने में बहुत आसानी होगी. कुल मिला के पूरे chemistry में हमें 10 तरीके main chemical reaction देखने मिलेंगे. सबसे पहले हमें देखने मिलेंगे combination reaction. उसके बाद में देखने मिलेंगे हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद में है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके बाद में ऑक्सीडेशन, उसके बाद में रिडक्शन, उसके बाद में है रिडॉक्स रिएक्शन, और उसके बाद में है न्यूट्रलाइजेशन. तो वन बाय वन पूरे रिएक्शन को देखेंगे, एक बार फास्ट में रिवाइज कर लेंगे. एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स और न्यूट्रलाइजेशन. तो वन बाय वन देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो चीज़ें कंबाइन होना, जैसे कि एक्स प्लस वाई, ये मिला के कुछ एक नई चीज़ बना रही है. जैसे कि पकड़ लीजिए जेड, दो चीज़ यहाँ पे कंबाइन हो रही है और वो एक सिंगल चीज़ बना रही है, तो उसे बोलेंगे अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हमेशा याद रखिए ये जो एरो है इसकी ये साइड में जो भी चीज़ रहेंगी उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे और ये साइड में जो चीज़ है उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे. तो एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सी प्लस ओ टू, दो रिएक्टेंट है यहाँ पर मिक्स होके ये बना रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट जो है सी ओ टू. तो इस तरह की जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. इसका अपोजिट रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे एक चीज़ दो चीज़ में स्प्लिट होती है. इस तरह की रिएक्शन जैसे कि एक रिएक्टेंट रिएक्शन होने के बाद दो अलग अलग चीज़ों में स्प्लिट हो जाए या डिकम्पोज हो जाए या टूट जाए, वैसे चीज़ को बोलेंगे अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एक नया देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मान के चलिए एक्स है प्लस वाई है, रिएक्शन होने के बाद हमें x प्लस वाई सेम चीज़ मिल रही है, बट रिएक्शन होने के पहले x के पास कुछ स्पेशल था, जैसे कि मान लीजिए m, रिएक्शन होने के बाद वो दूसरे के पास चला गया जैसे कि y के पास. तो जब एक चीज़ रिएक्शन होते समय में वो तो किसी दूसरे के पास चली जाएंगी, इस तरह की जो कोई रिएक्शन देखेंगी वो सिंपल हो जाएंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे सेम चीज़ रहेंगी बट यहाँ पे एक चीज़ के जगह पे दो चीज़ रहेंगी. जैसे कि पकड़ लीजिए जिसके पास यन था, अब वो यहाँ वाई के साथ में है, रिएक्शन होने के बाद में वो एक्स के साथ में आ जा रहा है. तो इस तरह की जब रिएक्शन है जहाँ दो चेंज एक्सचेंज हो रही है, इस तरह की रिएक्शन में बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें खास बात याद रखना है कि अगर तीन बार हो रही तो ट्रिपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस तरह से भी बोला जा सकता है. उसके बाद में एक अनदर टॉपिक एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में दो कंपोनेंट्स रहेंगे, उसके बाद वो कुछ रिएक्शन बना के एक नया कुछ रिएक्टेंट बनाएंगे. और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक बात याद रखना है कि हाँ हम हीट देते हैं रिएक्शन को, मतलब अब रिएक्शन होने के लिए हीट की ज़रूरत रहती है. तो इसे इस तरीके से शो किया जाता है कि एरो के ऊपर हीट या फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल शो करेंगे. तो ये रिएक्शन समझ लेना चाहिए कि ये रिएक्शन में अपन प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है उनको हीट सप्लाई कर रहे हैं और वो एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हम हीट देते. इसका टोटल अपोजिट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें रिएक्शन होने के बाद वहाँ से हीट निकलेंगे. तो इस तरह की जो रिएक्शन रहेंगी उसमें प्रोडक्ट के साथ प्लस में हीट एनर्जी शो की है, मतलब ये इसका मतलब होता है कि वहाँ से हीट एनर्जी निकल रही है. तो इस तरह की जो रिएक्शन रहेंगी उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसके अपोजिट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन किसी चीज़ के साथ कंबाइन हो, मतलब देखिए सी के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा और वहाँ पे वो सी ओ टू बना रहा है, तो इस तरह की जो रिएक्शन रहेंगी उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे. ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दो डेफिनेशन है, एक तो रिएक्टेंट ने ऑक्सीजन को गेन करना चाहिए और हाइड्रोजन को लूज करना चाहिए, तो तब जाके अपन वो रिएक्शन को बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. रिडक्शन इसका टोटली अपोजिट है.
उसमें हाइड्रोजन उसने गेन करना चाहिए या फिर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को लूज करना चाहिए। एक पिक्चर डायग्राम बना के अपन उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पकड़ लीजिए रिएक्शन, इसमें अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो ये हो गई ऑक्सीडेशन। या फिर ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन गेन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन लूज हो रहा है, ऐसी रिएक्शन हो जाएंगी रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हो चुका है। इसके बाद बचा रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम यहाँ रुक चुके थे टेक्निकल खराबी की वजह से। हम थे रिडॉक्स रिएक्शन पे। रिडॉक्स रिएक्शन जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब ये दो का कॉम्बिनेशन है। मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ऐसी कंबाइंड रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट वन पे आ जाते हैं जिसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड प्लस बेस ये दो चीज़ रिएक्ट होके साल्ट और वाटर बनाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि HCl, ये एक एसिड है प्लस इसमें बेस मिला रहे हैं NaOH। तो रिएक्शन होने के बाद ये NaCl, यहाँ का Na और यहाँ का Cl मिला के NaCl बना रहा है, प्लस यहाँ का HO प्लस यहाँ का H ये मिला के H2O बना रहा है। इस तरीके से एसिड प्लस बेस मिला के साल्ट प्लस वाटर, ऐसी रिएक्शन होती है। तो ये हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। हम इस वीडियो में कम से कम मैं पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। आपको इसी तरह के वीडियो हम केमिकल रिएक्शन प्लस साइंस पर फोकस करेंगे जो रिलेटेड है 10th क्लास से। सो आप इनक्रेज कीजिए हमें सब्सक्राइब करके, मुझे इससे और वीडियोस इस तरह के बनाने में मदद मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। थैंक यू।